दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। अगर आप भी इस तरह से अपनी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा, जिससे आप ओनली वन क्लिक में अपनी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाना है, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिमूव बीजी। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको इतना लिख के इसको सर्च कर देना है। तो चलिए मैं इसको सर्च कर देता हूँ। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड इमेज। तो आप अपनी जिस भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उस फोटो को अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आप जिस भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं आपको यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और ये आपको यहाँ पर बिल्कुल HD क्वालिटी में दिखाई देगी। और जब आप इस फोटो को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद भी ये फोटो आपको HD क्वालिटी में दिखाई देगी। तो इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ से इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें कोई और बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड दिखाई देंगे, तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड अपनी फ़ोटो में लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से कोई भी बैकग्राउंड अपनी फ़ोटो में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और अपनी फ़ोटो में कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।